नमस्कार प्यारे साथियों, छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने। और ये पैराग्राफ में एक रेल यात्रा यानी रेलवे जर्नी है ना कि रेल यात्रा कैसी होती है, ठीक है। आपको इसमें मोस्टली समझना ये है कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हो, जैसे कैसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन जरिया होता है मेरे साथियों। लास्ट संडे यानी कि पिछले रविवार को आई वेंट, मैं गया टू जयपुर, मैं जयपुर गया, पिछले रविवार की बात है, मैं जयपुर गया बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा विथ माई फादर, मैं अपने पिताजी के साथ, ठीक। पिछले रविवार को मैं अपने पिताजी के साथ रेलगाड़ी के द्वारा जयपुर गया, रेलगाड़ी से जयपुर गया, ठीक है। वी रीच्ड, हम पहुंचे द स्टेशन यानी कि स्टेशन पहुंचे बाई टैक्सी, टैक्सी के द्वारा, ठीक है ना। हम एक टैक्सी के द्वारा स्टेशन पहुंचे। वी बोट, हमने खरीदा टू टिकट्स है ना, हमने दो टिकट खरीदी, ठीक है। वी वेंट, हम गए टू प्लेटफॉर्म, फिर हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे या फिर हम प्लेटफॉर्म पर गए। सम पीपल यानी कुछ लोग वर सिटिंग एंड बैठे हुए थे ऑन द बेंचेज, यानी कि कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हुए थे, बेंचों पर कुछ लोग बैठे हुए थे। देखो बेंच है ना, सी एच BENCH, बेंच एंड बेंच होती है, और ई एस लगाए क्योंकि इसका प्लूरल कैसे बनता है, जिसके पीछे सी एच होता है उसमें ई एस एड करते हैं। पैर मैंने आपको पहले बता रखा है कि जैसे कि हम सी एच एस एच है ना, डबल एस एक्स और जेड होते हैं, उनके बाद में हम क्या ई एस एड करते हैं अगर हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तो, ठीक है। बसेज, बुसेज, बुसेन जाड़ी होती है, बुसेज है ना, जाड़ियाँ। देयर वाज ए ग्रेट रस है ना, देयर वाज ए ग्रेट रस, वहां पर बहुत भीड़ थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन पहुंची या फिर ट्रेन आई। वी एंटर्ड, हमने प्रवेश किया एक कंपार्टमेंट यानी एक डिब्बे में। आफ्टर 5 मिनट्स है ना, 5 मिनट बाद द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन रवाना हो गई, ठीक है ना, ट्रेन चल दी, ट्रेन रवाना हो गई। वी टुक ओवर सीट्स, हम अपनी सीट पर बैठे, वी टुक हमने ली ओवर सीट है हमारे अपनी सीट, हम अपनी सीट पर बैठे हैं, ऐसे बोलेंगे। ऑन द वे, रास्ते में, द ट्रेन जो रेलगाड़ी है स्टॉप या रुकती गई एट मैनी स्टेशन, यानी कि कई स्टेशनों पर वो ट्रेन रुकी। एट लास्ट वी रीच्ड जयपुर स्टेशन, एट लास्ट अंत में हम पहुंच गए कहाँ पर, जयपुर स्टेशन में, जयपुर स्टेशन पर हम पहुंच गए। ये एक रेल यात्रा थी और इसका ये मकसद था कि हम कैसे इंग्लिश को आसानी से पढ़ सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।